अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी दिन पे दिन उलझती ही जा रही है। हर दिन इस केस में नए पहलू सामने आते रहते हैं। इस समय सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा ड्रग्स मामले के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसमें एनसीबी ने शोविक और सैमुअल मिरांडा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर हैं, उनके घर पर छापेमारी की और छापेमारी के बाद दोनों को एनसीबी के दफ्तर लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई और एनसीबी के सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि सैमुअल मिरांडा ने इस बात को भी मान लिया है कि वो ड्रग्स खरीदता था। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक शोविक और मिरांडा की गिरफ्तारी नहीं होगी। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में सैमुअल मिरांडा ने खुलासा किया है कि वो ड्रग्स खरीदता था। शोविक और मिरांडा से पूछताछ में इस बात की पुष्टि हुई है कि ड्रग की खरीद फरोख्त और ड्रग का लेन देन लगातार चल रहा था। हालांकि पूछताछ में अब तक कोई भी बड़े नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन कुछ ड्रग पेडलर्स के नाम जरूर सामने आए हैं। इस मामले में रिया से भी अभी पूछताछ होनी बाकी है, लेकिन एनसीबी के पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक रिया भी ड्रग्स का सेवन करती थी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की गुत्थी कब सुलझती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।